Hey everyone, I am Dr. Udit Kapoor. Welcome back to my YouTube channel. आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, प्लस बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूँ जो आप लोग एक फैक्ट समझते हैं, जबकि वो एंटायरली फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, जो कि एक मिथ है. सो इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मिथ नंबर वन. नकल क्रैकिंग से अर्थराइटिस हो सकता है. वेयर एज द फैक्ट इज कि ऐसा कुछ नहीं है. नकल क्रैकिंग, जो हमारे जोड़ों से जो आवाज आती है, वो बेसिकली नाइट्रोजन बबल गैस रिलीज होने की वजह से आती है, और वो जब रिलीज होता है तभी ये साउंड प्रोड्यूस होती है. सो इसका अर्थराइटिस से कोई लेना देना नहीं है. मिथ नंबर टू, एक्सरसाइज करने से बैकएक होती है. ऐसा नहीं है. अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करोगे तो आपको बैकएक हो सकती है, और अगर आप गलत पोस्चर में कर रहे हो, अगर आप गलत लिफ्ट कर रहे हो तो आपको बैकएक हो सकती है, समझ में आता है, लेकिन एक्सरसाइज करने से बैकएक नहीं होगी कभी. मिथ नंबर थ्री, बिना चप्पल के या बिना शूज के चलना बहुत अच्छा होता है. वेयर एज द फैक्ट इज बिना स्लीपर्स के चलना आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. सबसे पहली बात, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, प्लस आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. और इसमें एक और चीज होती है कि फुट में एक मीडियल आर्च होता है जो कि हमें मेंटेन करना चाहिए. सो बिना स्लीपर्स के वॉक नहीं करना चाहिए. मिथ नंबर फोर इज कि अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो हमें एकदम स्ट्रेट बैठना चाहिए, जबकि फैक्ट है कि 110 डिग्री से 135 डिग्री का इंक्लाइन चेयर पे हमें बैठना चाहिए. बिकॉज नॉर्थ अमेरिका स्टैंडर्ड एसोसिएशन ने भी प्रूव करा है कि 110 डिग्रीज टू 135 डिग्रीज अगर आपकी चेयर इंक्लाइंड है, सो दैट इज बेस्ट फॉर यू एंड योर मसल्स आर रिलैक्स्ड. मिथ नंबर सिक्स इज बेड रेस्ट इज ऑलवेज अ सोल्यूशन, जबकि सच बात यह है कि अगर आप बेड में ज्यादा टाइम तक रहोगे तो आपकी कंडीशन और वर्स होती जाएगी और आपके सिम्टम्स इंप्रूव नहीं करेंगे, और चांसेस ऑफ रिकवरी जो है वो उतनी ही डिले हो जाएगी. सो इट्स अ रॉन्ग थिंग. नेक्स्ट थिंग इज कैल्शियम लेने से आपका ऑस्टियोपोरोसिस सही हो जाएगा. ये एकदम गलत चीज है. कैल्शियम के साथ साथ आपको वाइटामिन डी, बिसफॉस्फोनेट्स, डिनोसुमैब, लेसोफॉक्सिफिन, ये बहुत सारी अलग मेडिकेशन है जो आपको स्टार्ट करनी पड़ती है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए. सिर्फ कैल्शियम सफिशियंट नहीं होता. नेक्स्ट थिंग इज ओल्ड एज, यानी कि 60 अबव जो लोग हैं उनको चांसेस ज्यादा है ऑस्टियोपोरोसिस होने का. ये भी एक गलत इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों में स्प्रेड हो चुकी है. द फैक्ट इज कि ये किसी भी जनरेशन को हो सकता है अबव 40, बिकॉज ये जो डिजीज है ऑस्टियोपोरोसिस, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर BMI, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स. सो इसका एज से कोई कोरिलेशन नहीं है एज सच, बिकॉज ये नहीं है कि ये 60 से अबव को होगा, ये 40 से अबव को भी हो सकता है. नेक्स्ट मिथ इज मेल शुड नॉट वरी अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि मेल जेंडर को ऑस्टियोपोरोसिस की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, उनको नहीं हो सकता. ये एक मिथ है. द फैक्ट इज कि ये वुमेन को ज्यादा होने के चांसेस हैं, बट फीमेल रेशियो मेल इज 6:4, तो अगर 60% फीमेल को होगा तो 40% मेल को भी होने के चांसेस हैं. सो ऐसा नहीं है कि मेल इससे एकदम सेफ है. कुछ ज्वाइंट रिप्लेसमेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो मिथ्स जो स्प्रेड हो चुके हैं और जो आप लोगों को एक फैक्ट लगते हैं. सबसे पहला उसमें है कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ज्यादा साल तक नहीं चलती. वेयर एज द फैक्ट इज ये एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेसिस पे है, प्लस ये इम्प्लांट किस तरह का इम्प्लांट लगा ये उस पर बेस्ड है. रफली यू कैन से 10-20 ईयर्स ये इम्प्लांट वर्क करते हैं. सो ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ज्यादा नहीं चलती. अगला मिथ है वो ये है कि यंग पॉपुलेशन को रिप्लेसमेंट्स नहीं करानी चाहिए, जैसे कि टोटल नी रिप्लेसमेंट या टोटल हिप रिप्लेसमेंट्स नहीं करवाने चाहिए. वेयर एज द फैक्ट इज कि एज बेस्ड ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई क्लासिफिकेशन एज बेस्ड नहीं है कि उनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी लग सकती है नहीं. द फैक्ट इज ये डिसेबिलिटी किसको कितनी है और उसका जो ट्रॉमा है या डिजीज है वो कितना है, तो उसके ऊपर बेस्ड होती है रादर देन एज. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज टेनिस एल्बो या गोल्फर एल्बो जो होता है वो सिर्फ खेलने वाले कंडीशंस में ही हो सकता है. अगर कोई खेलता है उसी को हो सकता है, ये एक मिथ है. द फैक्ट इज ये किसी को भी हो सकता है. ओवर यूज जो एल्बो का कर रहा है, अंडर यूज को कर रहा है, कोई ब्लड कोगुलेशन उसके वहां पे है, तो ये किसी को भी हो सकता है. द नेक्स्ट थिंग इज जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप स्पाइन सर्जन के पास जाते हो तो आपकी सर्जरी होगी.
ऐसा नहीं है। फैक्ट इज कि वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है। अगर डिजीज जितना मेजर है तो उसी के बेस पे ये सर्जरी होती है या नहीं होगी, ये उस बेसिस पे डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि आप स्पाइन सर्जन के पास गए तो वो सर्जरी करेगा ही। सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है। मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर मुझे करना चाहिए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लाइकिंग द वीडियोज, कीप शेयरिंग इट, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।